ओके ऑल राइट, माफ माना जा रवि तेजा इज बैक गुरु, क्योंकि लेकर आ चुके एक बढ़िया मूवी जिसका नाम है रामारा ऑन ड्यूटी। अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड ग्रैंड रिलीज कर दी गई है, जिसका नाम भी इतना अनोखा है, लेकिन रवि तेजा बैक हो चुके हैं गुरु, क्योंकि मासेस मूवी लेकर आ चुके हैं। यहाँ आप लोग इतना अनोखा एक्शन देखने को मिलता है और फिर से रवि तेजा अपने कॉस्ट्यूम में वापस आ चुके हैं, जो सबको पसंद आता है वो पुलिस के किरदार में। अब ये मूवी की अगर बात करें तो ये मूवी किस तरह की बन जाती है, रामारा ऑन ड्यूटी माइंड ब्लोइंग मूवी है या फ्लॉप मूवी हो जाती है, वो तो आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रवि तेजा की बात करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गुरु रवि तेजा एक ऐसा बंदा है जिसे आप लोग जैसा भी रोल दे दो वो काफी माइंड ब्लोइंग करते हैं, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना माइंड ब्लोइंग है, और इस मूवी का जिस तरह का म्यूजिक है और जिस तरह के एक्शन वो रवि तेजा करते आप लोग नजर आएंगे ना, चाहे वो जैसा भी आप लोग सीन देखो, वो भागने वाले सीन आप लोग देखो, जिस तरह क्लाइमेक्स में सीन से फाइट के देखकर और देखकर आप लोग के माइंड में एक सवाल जरूर आएगा, आप लोग कहोगे कि पैसा वसूल हो चुका है गुरु, अपनी मेहनत से उस रोल को चार चांद लगा देते। अब इस मूवी में उसका भी रोल काफ़ी बढ़िया हो चुका है गुरु, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया इसलिए क्योंकि यहाँ आप लोग को एक ऐसा मिशन देखने को मिलता है जहाँ गाँव के लोगों को लिया जाता है अलग अलग स्टेट से, लेकिन फिर से वो गायब हो जाते हैं और वो अलग अलग गाँव से होते हैं, तो वहाँ आप लोग को यहाँ कहानी देखने को मिलती है। लेकिन आगे मैं आप लोग थोड़ा बहुत लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग लगी और इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो मुझे इतनी अनोखी लगी, और इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है जिस तरह के विक्रांत रोना का क्लाइमेक्स आप लोग को अनोखा लगा था, इस मूवी का भी आप लोग क्लाइमेक्स जो है वो अनोखा लगने वाला है गुरु, क्योंकि यहां आप लोग को वो जो बंदे लिए, क्योंकि वो जो बंदे लिए जाते हैं वो वापस आते हैं कि नहीं आते, स्टोरी सिर्फ आप लोग को वही देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोग आगे बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब ये मूवी आप लोग एक बार सिनेमा घरों में एंजॉय करोगे, अगर आप लोग के माइंड में ये चल रहा है कि रवि तेजा की मूवी में आप लोग ओवर एक्शन देखने को मिलेगा, फालतू स्टोरी देखने को मिलेगी, फालतू कॉमेडी कमेंट देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी एक मास्टरपीस सुपर डिसेंट मूवी है, जो आप लोग एक बार दो बार एंजॉय कर सकते हो सिनेमा घरों में फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, या अकेले जाकर जिसके भी साथ जाकर इस मूवी को आप लोग 100% एक बार जरूर वॉच करनी है गुरु, ये आप लोग तय कर लें, क्योंकि यार काफ़ी इतनी बढ़िया मूवीज रवि तेजा बैक टू बैक बना रहा है, जो दिल खुश हो रहा है कि रवि तेजा आप वापस आ चुके हैं अपने बढ़िया स्टेट पर, अपने बढ़िया काम पर, जो बैक टू बैक इतनी मासेस वाली मूवीज लेकर आ रहे हैं जो काफ़ी माइंड ब्लोइंग बन जाती है। अब रवि तेजा का काफ़ी इतना कूल अच्छा है, अब रवि तेजा का काम भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, जो देखकर खुशी भी हो जाती है कि रवि तेजा आप बढ़िया काम भी कर रहे हैं। अब छोड़ो इस बात को, ओवरऑल बात करें तो मूवी किस तरह की बन जाती है, वन वर्ड में अगर रिव्यू करें तो मुझे मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग लगी, इतनी पसंद आई है, क्योंकि इस मूवी की सबसे बड़ी जान मूवी की रवि तेजा तो है ही है, लेकिन स्टोरी लाइन भी इस मूवी की सबसे बढ़िया है, जो काफ़ी मनोखी बनाती है। लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग फर्स्ट आप थोड़ा डिले देखने को मिलता है, लेकिन काम चल जाता है, आप लोग सेकंड आप जो है आप लोग को अच्छा खासा बेक कर लेता है और आप लोग को हुक्ड एंड बुक्ड करके लगता है। अब ये बताएं आप लोगों ने मूवी देखी, आप लोग अच्छी लगी बुरी लगी, आप लोगों ने मूवी देखी है नहीं देखी, और आप लोग देखने जाओगे नहीं देखने जाओगे वो कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। अगर आप लोग अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर अपना रिव्यू दे, ताकि लोगों को पसंद चले कि आप लोगों को मूवी किस तरह लगी, और लोगों को अभी डिसाइड करना पड़े कि यार लोगों को पब्लिक को पसंद आ रही है मूवी तो हम देखने जाएं। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा, तब तक ये भाई को इजाजत।